और नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। जैसा कि साथियों, हमें पता चला कि छिबरामऊ क्षेत्र के रसीद कोल्ड स्टोर से जो आलू की निकासी है वो शुरू हो चुकी है। तो मैं आ चुका हूँ अभी रसीद कोल्ड स्टोर के बाहर। अभी अंदर चल के देखता हूँ कि यहाँ पे वाकई में क्या जो कोल्ड स्टोर की आलू की निकासी है वो क्या वाकई में शुरू हो चुकी है या नहीं। तो अगर साथियों आप लोग आपके अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू और जानते हैं कि छिबरामऊ में आलू की निकासी शुरू हुई है या नहीं, और अगर नहीं हुई है तो कब तक होगी, तो क्या है। चलिए देखते हैं बैक कैमरे से। अभी हम अंदर आ चुके हैं कोल्ड स्टोर के, और यहाँ जो मैनेजर सर जी हैं उनसे बात करेंगे कि कोल्ड स्टोर से निकासी कब शुरू हुई है या होगी, तो क्या पूरी स्थिति है, जानते हैं बैक कैमरे से। तो आप लोगों को एक बार हम कैमरा पैन करके कोल्ड का नज़ारा दिखा देते हैं। तो हमारे साथ में चाचा जी हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? चाचा जी, ये कौन सा कोल्ड स्टोर है? रसीद कोल्ड स्टोर। चाचा जी, जैसा कि हमें सुनने को मिल रहा है कि आपके कोल्ड स्टोर से एक दो गाड़ी लोडिंग हो चुका है आलू इस साल, अभी 2021 में। अभी कुछ नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है? ये लोग झूठ बोल रहे हैं ना, मतलब लोग कह रहे हैं। ऐसा क्यों चाचा, ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं कि वहाँ से? तो वो जान सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो अपने कोल्ड स्टोर से कब निकासी शुरू हो जाएगी? हो सकता है लास्ट इसी महीने में लास्ट हो जाए। इसी मान के चलो अभी 10-15 दिन बाद अप्रैल में ही निकासी शुरू हो सकती है। तो चाचा क्या लगता है, आप तो अनुमान लग रहा होगा कि इतने रुपए से निकासी शुरू हो सकती है? हमारे ख्याल में सफ़ेद आलू 400, बाकी ये 500 रुपये। लाल 500-600 बेचना चाहिए ना, और सफ़ेद वाला 400-450 है। तो चाचा कितना बाकी था अपना कोल्ड स्टोर इस साल? फुल है। फुल है, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में जो आलू का भविष्य है वो अब कैसा रह सकता है? आप तो कुछ अनुमान लग रहा होगा। अगर अप्रैल में निकासी शुरू हो जाती है तो अच्छा रहेगा। अभी अप्रैल में ही किसान भाई आलू निकालना शुरू कर देंगे तो आगे चल के आलू सही मतलब मेंटेनेंस सही बन जाएगा ना उसका, तो सही हिसाब किताब बन जाएगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा है, फिर भी हमें लग रहा है अगर नहीं भी निकलेगा, आराम से निकलेगा, तो भी नुकसान नहीं है इस साल, क्योंकि जैसा लोग कह रहे थे बाहर रह जाएगा, बाहर ऐसा तो नहीं रहेगा ज़्यादा। अच्छा अच्छा, तो छिबरामऊ क्षेत्र में अभी कोई से कोल्ड स्टोर से निकासी हुई क्या? हमारे घर में तो नहीं हुई है। कोई एक कोल्ड स्टोर से नहीं हुई ना चाचा। तो जैसा कि साथियों आप लोग देख पा रहे हैं, अभी वाकई में हमने भी आके देखा आप लोगों को, इसीलिए मैं लाइव आके दिखा रहा हूँ कि अभी लोग जो कह रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस कोल्ड स्टोर से 2021 में आलू की निकासी बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, अभी कोई भी तैयारी आलू की निकासी की नहीं है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते आलू निकासी का कार्य शुरू हो सकता है, इसका भी कोई क्लियर नहीं कहा जा रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, अभी यहाँ पे कोई भी ट्रक कोई भी गाड़ी यहाँ से लोड नहीं हो पा रही है, हो ही नहीं रही, डिमांड नहीं है। तो अभी और इस हफ्ते होने के लिए तो तैयारी की जा रही है। तो साथियों आज दिनांक ना 17 अप्रैल है, और आप आज जब वीडियो देख रहे हैं तो आज 18 अप्रैल हो रहा है। और अभी आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं 17 अप्रैल को ना छिबरामऊ क्षेत्र में हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और जैसा कि सब भाइयों ने बोल दिया कि भाई रसीद कोल्ड स्टोर से जो आलू की निकासी है वो शुरू हो गई है, मैंने आपको डायरेक्ट आकर दिखा दिया है कि यहाँ से अभी तक कोई भी आलू की निकासी शुरू नहीं हुई है ना। चाचा जी बैठे, चाचा जी यहाँ से कोई आलू की निकासी शुरू हुई है क्या अभी? नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं हुई है। कब तक होने की संभावना है? हफ्ता खंड बाद बता रहे हैं कि हो सकती है लोडिंग होना शुरू हो जाए। जैसे कि सब लोगों ने बोल दिया था कि यहाँ से हो गई लोडिंग, आलू की निकासी शुरू हो गई, ऐसा तो है नहीं ना। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ वाकई में इस कोल्ड स्टोर से कोई भी आलू की निकासी शुरू नहीं हुई है, और अगर जैसे ही होती है, वैसे हम वीडियो को आप लोगों को
फटाफट से पहुंचा दूंगा आप लोगों के पास वीडियो को, तो आप लोग आसानी से देख पाएंगे। आप लोग बिल्कुल बेचिंत रहें, अगर जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिल जाएगी। Try.